पकड़ दे रहा चेयर लेके आता बारिश पीछे से
विजय को बोला कुछ दे रहे हैं, वो देखा तो केकड़ा दिया उसके आज ऐसे भी स्टोरी में बहुत पीछे से ब्रेक भी आ रही है। सुनो थोड़ा पीछे ना आपकी सबसे सब पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा वो मिल जाए। सुनो एक मिनट मैं एक मिनट फ्री कर लेंगे थोड़ा सुबह स्टार्ट करो आजकल को ये जरूरत भी है ना, लोग रूम नहीं छोड़ते। शुरू करो चलो स्टार्ट करो एक मिनट विजय तेरा केकड़ा वाला वीडियो भेज रहा हूँ सर। सर व्हाट यू आर टुडे आई मीन एडवेंचर स्पोर्ट्स हेवन 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 हेवन। आपको नहीं लगता आप जन्नत में हो? आई मीन इतनी खूबसूरत जगह, वेदर, ट्रेन, इतनी अच्छी गाड़ियाँ, इतनी टैलेंट, ऑफ रोडिंग का नंबर वन इवेंट, और दो साल के ब्रेक के बाद तो वो एक्साइटमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये हो पाएगा या नहीं, बट थैंक्स टू द एंटायर टीम, यू नो आशीष, सैम, ऑल ऑफ देम, सुबोध, सुपर्ब जॉब। इनिशियली मैंने ग्रोइंग अप फिल्म स्टार तो बनने गए कामयाब, लेकिन कभी स्पोर्ट्स पर्सन बनने की इच्छा हुई और कभी रिप्रेजेंट करने का मन हुआ? एब्सोल्युटली, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता था और देश के लिए खेलना चाहता था, लेकिन ये नहीं थी कि टैलेंट नहीं था, टैलेंट थी, लेकिन शायद इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा ही है, यू नो, कहीं और होता तो डेफिनेटली खेल पाता, लेकिन आई थिंक टू मच टैलेंट इन इंडिया एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो मेरी ऑब्सेशन वो थी, फिल्म बाय चांस था और फिल्मों में मुझे जो मैंने मांगा नहीं था उससे ज़्यादा मिला, तो फिंगर्स क्रॉस। अगर आपने मेरा करियर को फॉलो किया हुआ तो आप देखोगे कि मैं क्रिकेट से पहले हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर रहा, या हॉकी वॉज एट इट्स लोएस्ट, और मुझे कोई मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरा कभी कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है इन चीज़ों में। मैं जो करता हूँ प्यार की वजह से करता हूँ, ऑब्सेशन की वजह से करता हूँ। कबड्डी की पहली गेम हुई थी तो मैं था, नाडा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाडा एंटी डोपिंग की का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो जहाँ भी स्पोर्ट्स है मेरी कोशिश है, अगर लोग मुझे बुलाए तो मैं, मेरा हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है। जस्ट फिनिश द एमएमए लीग, मिक्स मार्शल आर्ट्स लीग, टू फाइंड द नंबर वन फाइटर्स आउट ऑफ इंडिया, तो और अब ये। And sir, what about, you know, females should be also given encouragement? हाल में कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो काफ़ी सारी फीमेल्स ने काफ़ी सारे मेडल जीता, कितना जरूरी है? सो फीमेल्स ने ही मेडल जीता हमारे लिए, आप क्यों काफ़ी काफ़ी बोल रहे हो? आई थिंक काफ़ी लड़कों ने जीता लेकिन फीमेल्स ने ज़्यादा जीता, और वो फ़र्क मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैंने हमेशा अतिथि देवो भव हैज ऑलवेज मेंट अ लॉट, और वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज मेंट अ हेल ऑफ अ लॉट टू मी। आई थिंक मैं, मेरी ज़िंदगी की सबकी सबसे खुशी का दिन था जब अतिया पैदा हुई थी, तो दैट वॉज माई डॉटर, जब लक्ष्मी आई थी घर में, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट अहान। बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप विमेन को हर चीज़ में इनक्रेज करो। आप मेरे ऑफिस में देखिए, कहीं भी देखिए, घर पे भी देखिए, तो बॉस, तीन बॉसेस हैं मेरे, मेरी माँ, मेरी बीवी और बेटी, तो हमारे लिए तो कुछ चांस ही नहीं। बेटा